फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एम सी टी एम का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कैनन का न्यू मॉडल है और ये G2770 है। फ्रेंड्स, इसमें हम आज इस प्रिंटर को ओपन करना सिखाएंगे, कैसे आज इसको ओपन करके और रिपेयर करेंगे इसमें। हालांकि इसमें कोई समस्या नहीं है, ये फोटोकॉपी हो रहा है इस पर हम आपको खोल के दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव किया है कंपनी ने और क्या क्या आपको सामान मंगाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे इसमें। पहले हम इसको प्रिंटर को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए हम प्रिंटर को ये बटन दबा के ऑन कर लेते हैं। ये पावर बटन है, ये मेंटेनेंस बटन है। अगर प्रिंटर के अंदर कोई भी समस्या जाए तो इसको दबा के मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये कैनन 2010 जैसे ही है, सेम टू सेम। इसमें दो की एक्स्ट्रा दिया है कंपनी वालों ने, कोई बात नहीं। चलो बैक में आते हैं आपके और इस प्रिंटर को ओपन करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इस मेंटेनेंस बॉक्स को खोलेंगे बैक साइड में। ये मैंने बाहर कर लिया है और इसको पीछे से ओपन करने के लिए इसको बाहर करेंगे, देखिए। और इस मेंटेनेंस बॉक्स को बाहर कर लेंगे, ये देखिए। इसका मेंटेनेंस बॉक्स नंबर होता है यहाँ पे MCG04 होता है और ये इंक को सोखने के लिए होता है। अगर आपको इसको बदलना होगा तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 को यहाँ से अनलॉक करेंगे और अनलॉक करके यहाँ से रुआ भी डाल सकते हैं। अगर आपके जो मेंटेनेंस बॉक्स का एरर आ रहा है तो इससे आप इसको बदल के और चिप बदल के आप इस प्रिंटर को सही भी कर सकते हैं। तो ये इसको अलग करते हैं। अभी हम आपको प्रिंटर को ओपन करना सिखा रहे हैं। तो ये नेट ओपन कर लेंगे। सारे नट एक साथ रखेंगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है। ये अपनी लीड भी बाहर निकाल लेना है, पावर केबल को अनप्लग कर लेना है और यहाँ से इस वाले धड़ को आपको अलग, पहले इस ऊपर वाला करना है ये वाले को। तो इसको इतना करके और फिर इसको तिरछा करके उठाना है। ये देखिए यहाँ से बेंड हो जाता है और ये देखिए बाहर हो गया है। आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है। अब इसको स्कैनर के ऊपर उठा लेंगे यहाँ से और सबसे पहले इस लॉक को ओपन करना है। तो सबसे पहले बैक साइड के नट खोलेंगे और इन दोनों लॉक को ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रिंटर को ओपन ऊपर करेंगे और यहाँ पे दो लॉक होते हैं, देखिए। ये ऊपर किए, ऊपर किए और यहाँ से ऊपर किए, थोड़ा थोड़ा अनलॉक करेंगे दोनों को एक साथ और ये देखिए बाहर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा लॉक होता है, देखिए, और ये नीचे होता है, ये बाहर हो जाता है। और सेम टू सेम यही हाल इसका भी करेंगे। थोड़ा सा उसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे दो लॉक होते हैं, देखिए, ये देखिए और ये देखिए, दोनों के एक साथ कर लेंगे। बहुत आसान है, हाथ से भी हो जाता है, देखिए। और ये लॉक होता है इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ फंस जाता है यहाँ पे। तो आपको ऊपर से नहीं करना है, नीचे से कर लेंगे तो सही रहेगा, या जिस प्रकार आपको लगे। अब ऊपर से करेंगे तो लॉक टूट जाएगा, नीचे से करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लॉक होता है। ये हो गया और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है। मान लीजिए इस वाले भाग को पहले ओपन करना है या आपको इस वाले भाग को ओपन करना, जैसे आपकी इच्छा हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉक होता है, आपको यहाँ पे दबाना होगा। ये देखिए यहाँ पे पहले एक बार दबाएंगे, ये देखिए लॉक है यहाँ पे। इसको ऊपर करेंगे और यहाँ इसको प्रेस कर लेंगे, ये बाहर आ जाएगा, देखिए। ये क्योंकि अंदर ये लॉक होता है, यहाँ पे फंसा होता है, देखिए। और यहाँ पे प्रेस करिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करिए, ये देखिए, ये इसको दब प्रेस करेंगे, ये बाहर हो गया। और फिर आपको कुछ नहीं करना है,
नीचे से थोड़ा सा लॉक होता है, तो उसको भी ओपन कर लेंगे। ये दिखा यहाँ पे, यहाँ पे एक छोटा सा लॉक होता है, इसको दबाना होता है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे भी एक लॉक होता है, और एक छोटा सा यहाँ भी होता है लॉक, इसको भी दबाना होता है, फिर ये बाहर आता है। और ऊपर वाले को वापस प्रेस करेंगे तभी बाहर आ जाएगा। इसमें 3-4 लॉक एक साथ फिट होते हैं, ये देखिए बाहर आ गया। यहाँ पे एक लॉक नीचे होता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है, और ये लॉक इसके अंदर ऐड हो जाता है, और ये लॉक इसके अंदर ऐड हो जाता है, और ये लॉक इसके अंदर ऐड हो जाता है। इसलिए सब लॉक को एक साथ दबाना होता है, नहीं तो ये अलग अलग फिर करके फिट होते जाते हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप नीचे से अनलॉक करके बिना लॉक तोड़े इसको बाहर कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ के ये नट खोलना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, और आपको वही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हमने नट यहाँ खोल लिया है, और यहाँ एक लॉक होता है, देखिए घुसा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे इसके अंदर होता है, इसलिए इसको ध्यान से बाहर करना होता है। और एक स्क्रू यहाँ पे होता है, इसको भी ओपन कर लें। आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है, ताकि बहुत आसान हो जाएगा ओपन करना। ये हो गया, और अगर आपको इसको भी ओपन करना है तो ये भी नट साथ में ओपन करते चलते हैं। हम आपको सब साथ में एक साथ ओपन करते हुए दिखा रहे हैं, और अभी यहाँ के नट ओपन नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले इस वाले बैग को भी ओपन कर लें। अब इसको भी ओपन करने के लिए इस साइड को ओपन हो गया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये कर दिए, ये देखिए लॉक आ गया यहाँ पे, देखिए आ गया ये लॉक इसका, ये प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक डार्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डार्ट दिख रहा है, इस डार्ट का कुछ मतलब होता है कि यहाँ पे कोई लॉक है, तो बहुत प्यार से इसको ओपन करेंगे। और अब चलेंगे नीचे साइड पे, आ जाओ, एक यहाँ पे लॉक है, ये देखिए इसको प्रेस करेंगे, ये खुल गया, और एक यहाँ पे लॉक है, कैमरा और नीचे कर लो, एक यहाँ पे लॉक है, ये देखिए ये भी खुल गया, और अब इसको बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे एक लॉक है क्या, नहीं, और एक यहाँ पे लॉक दिख रहा है, देखिए तो इसको नीचे करेंगे, और पीछे की थोड़ा सा हटाएंगे, और एक यहाँ पे लॉक दिख रहा है, उसको तोड़ेंगे नहीं, बहुत प्यार से ऐसे करके बाहर कर लेंगे, ये देखिए। तो इस पूरी तरह से समझे तो 1, 2, 3, 4 और 4 लाख है इसमें, तो सबको एक साथ ओपन करना है। अब ये वाला भाग ओपन हो गया है, अब आपको यहाँ से इस चीज को अनलॉक करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, ये वाला को यहाँ से बाहर कर लेना है ताकि ये हो जाए, क्योंकि इसको रोक के रखता है, होल्ड करके रखता है, आसानी से नीचे जाने देता है। अब यहाँ के सारे नट ओपन कर लेंगे, एक नट यहाँ पे है, एक नट यहाँ पे है देखिए, और एक नट यहाँ पे था तो मैंने ओपन कर दिया है। हम सारे नट एक साथ ओपन करते चलेंगे, इसको निकालना है तो
और एक नट आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इसको भी ओपन करते चलेंगे क्योंकि ये बॉडी का ही नट है। और अब हम इस चीज़ को ओपन करने के लिए, स्कैनर यूनिट की केबल को ओपन करने के लिए इसको बाहर करेंगे, इस तरह से ये बाहर कर लिए हैं। और अब इसके अंदर ये अंदर ऐड है क्योंकि ये केबल निकालनी होगी, तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक लॉक रहता है, यहाँ पे ये प्रेस करेंगे थोड़ा सा, ये करेंगे ऐसे ऊपर उठा लेंगे पिचकस से और इसको पीछे खिसकाएंगे, ड्रैग करेंगे। तो ये मैंने पीछे की ओर ड्रैग कर दी है, देखिए बाहर हो गया क्योंकि ये खांचे नुमा बना हुआ है, देखिए इस प्रकार ये ऐसे घुस जाता है इस पर इन खांचों में, जैसे कंप्यूटर में किसी किसी कंप्यूटर में होता है ऐसे ऐड हो जाता है पूरे खांचे, तो इस प्रकार इसमें भी है। तो यहाँ पे लॉक हो जाते हैं, तो उसको उठा के और अनलॉक कर लेंगे और इस स्कैनर केबल को यहाँ से प्यार से बाहर कर लेंगे। ये देखिए बाहर हो गया, इसमें ऐड होता है क्योंकि लॉजिक कार्ड ये है इसका, और ये इसके साथ पन्नी लगी हुई है सेफ्टी कार्ड, तो इसको बाहर खींच लेंगे। ये देखिए ये बाहर आ गया है और इसको नीचे कर देंगे, ये देखिए हो गया। अब आपको यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको बैक बोन कहा जाता है, इसके अंदर बैक बोन, तो थोड़ा सा आपको पीछे करके और हटा देंगे, ये देखिए ये बाहर आ गया आपका स्कैनर। अब हम स्कैनर बाहर आ गया, इसको बाहर कर देंगे एक साइड पे, अब हम इसको ओपन करना है। तो हम लगभग सारे नट ओपन कर लिए हैं, एक नट बचा था और इसको भी ओपन कर ले रहे हैं। और अब इसको ओपन करने के लिए बहुत आसान है, इसको सीधे ऊपर उठा दो बात खत्म। पर इस डिस्प्ले से जुड़ा होता है एक और पैनल केबल, तो इसको ओपन कर लेंगे, इसको दिखा रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप करना है, मेरे साथ फॉलो करना है। ये देखिए अब ये स्कैनर, ये जो केबल है ये फ्रंट पैनल केबल है, इससे डिस्प्ले वाला है, इसको ऐड है इससे कार्ड से। तो अब ये जो केबल है ना, इस केबल का हटाने के लिए इसको हम लॉक को नीचे की ओर खिसका देंगे, ये देखिए, और ये केबल ऑटोमेटिक बाहर आ गई। अब इसको हम पैनल बाहर करने के लिए सीधे पैनल को पकड़ के बाहर कर देंगे, ये है ना, इसको पेन कर लेंगे, इसको पेन कर लेंगे, इसको पेन कर लेंगे और इसको पेन कर लेंगे, और ये सीधे पैनल को उठा लेंगे। ये देखिए मैंने पैनल को सीधे उठा लिया है, बाहर कर लिया है, अब इस प्रिंटर में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कंपनी ने क्या बदला है, क्या किया है, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल्स से। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैनन 2010 में और 2770 में दोनों फ़र्क क्या है। ये छोटा कर दिया है बेल्ट, तो कैनन 2010 का 2770 में नहीं लगेगा, और आपको कार्टेज कैनन 2020 की लग जाएगी इस पर क्योंकि कलर सेम लगता है 71। अब आपको एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, ये डिस्क आपको लग जाएगा कैनन 2010 का 2770 में लग जाएगा, और ये केबल में बदलाव कर दिया है, ये कंपनी ने एक मोटी केबल लगा दिया है क्योंकि उसमें तीन टुकड़े में चार टुकड़े में केबल थी, तो कंपनी ने एक पट्टे में डाल दिया है। जो लॉजिक कार्ड इस साइड था वो कंपनी ने यहाँ लॉजिक कार्ड लगा दिया है, जैसे एप्सन में रहता है। और जो ट्रे है, बैक ट्रे, पेपर असेंबली ट्रे है, ये जो पिक करता है, ये काफ़ी अलग है, और इसका जो मेंटेनेंस बॉक्स है वो छोटा कर दिया है। और कैनन 2020 में जो मेंटेनेंस बॉक्स था वो बड़ा था और इसमें छोटा है। इसकी ट्रे असेंबली जो है, ये इसकी जो ट्रे असेंबली है, ये पूरी की पूरी चेंज है और काफ़ी मुझे सक्सेसफुल लग रही है जिस प्रकार कंपनी डिज़ाइन किया है। और इसका जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक है, यानी कैनन 2020 जैसा है। और इसका जो है यहाँ कर दिया कनेक्शन, देख लीजिए। और इस पर क्या किया है कि पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस जो बॉक्स, जो मेंटेनेंस बॉक्स का जो कनेक्शन है वो यहाँ किया है,
जो चिप को रीड करता है, और पेपर सेंसर ये है, और पेपर रखा है कहीं रखा है वो बताने के लिए ये पेपर सेंसर ये दिया है। ये करंट 2020 में भी है और 2021 और एक ही है, और कैपिंग लगभग सेम दिया है इस पर। और जो हेड को लॉक करने की सुविधा थी उसमें अलग दिया है करंट 2020 में, और इस पर यहाँ से ये लॉक करता है। देखिए इसको घुमाने से, इसको अगर ये इसको पीछे करना है तो इसको घुमाने से या आगे पीछे, देखिए लॉक यहाँ पे हो रहा है। इसको घुमाएंगे, देखिए घुमा रहे हैं तो यहाँ पे जो लॉक है ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखिए हो रहा है, ये सुविधा इस पर। और अगर आपको कोई सेटिंग फिटिंग ना समझ में आती हो देख लीजिए, क्योंकि प्रिंटर में कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको ओपन करना और खोलने और फिट करने के दिखाया है कि कैसे ओपन होगा कैसे फिट होगा। तो एक बॉर्न बाय वन करके आप देख लीजिए, रोलर भी कंपनी ने अलग कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिंटर में कोई समस्या नहीं, इसलिए हमें प्रिंटर को सेट करेंगे। जैसे मैंने खोला था फिर से हम सेट करना चालू कर देंगे। अब इसको सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे रख देना है इसमें। ये बहुत आसानी से सेट हो जाता है, कोई परेशान नहीं होना पड़ता है, और आसानी से सेट हो जाता है, आसानी से खुल भी जाता है। यहाँ सिंक भरने के लिए दिया है कंपनी ने, बहुत बढ़िया। ये हम नट लगाते जाएंगे एक एक करके, पूरे नट। अभी तक कोई नट नहीं बचा है, अब हम इसके ऊपर लगा देंगे स्कैनर। ये रहा मेरा स्कैनर, तो आपको इस स्कैनर को यहाँ सेट करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधे और इसको वापस घुसेड़ दीजिए। बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको सेट कर दीजिए वापस इसमें, ये भी बहुत आसान है। इसको पीछे रखेंगे और सेट हो जाए तो उसको ऊपर कर दीजिए लॉक को। ये लॉक ऊपर हो चुका है और सेट हो चुका है। इसके बाद आपको इसको सेट कर देना है, ये देखिए। कुछ नहीं करना ऐसे करके, और एक साइड धक्का दे देना, धक्का दे दिया मैंने, और
इसके ऊपर फिर इसको सेट कर देना है। यहाँ से ये लॉक होता है, ये मैंने चिपका दिया बराबर से, सेट हो गया। और अब आ जाएंगे हम इस साइड पे। एक नट आपको यहाँ पे सेट करना था, ये देखिए, कोई नट आपको भूलना नहीं है। अब आपको यहाँ केक नट सेट करना है, ये मैंने कर दिया है। और अब यहाँ केक नट सेट कर देंगे, ये देखिए यहाँ का, ये देखिए ये नट, तो यहाँ पे टोपी वाला नट लगेगा, ये मैं टोपी वाला नट लगा देता हूँ उसमें। और अब हम एक यहाँ पे लगाएंगे, तो पहले इसको इसके अंदर सेट कर देंगे, ये देखिए, और फिर इसको नीचे सेट करेंगे। आसानी सेट हो जाता है। और यहाँ पे एक स्क्रू डाल देंगे, अब जितने स्क्रू बचे हैं सबको स्टेप बाय स्टेप सेट कर देना है। एक स्क्रू यहाँ पे बचा है, इसको भी सेट कर देंगे। ये सेट हो गए हैं। और अब हम आएंगे इस साइड पे, इस लॉक को भी सही ढंग से सेट कर देंगे। बहुत आसान है सेट करना। और फिर क्या करेंगे, ये कलर वाला को लेंगे और कलर में सेट कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, आगे साइड ऊपर सेट कर दीजिए पहले। हो गया सेट। और इस साइड भी ऐसे ही करना है आपको। हो गया सेट। अब ये मेंटेनेंस जो बॉक्स है, हम आपको खोल के दिखा देते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस बॉक्स का ही सब ज़्यादा रोल है इस प्रिंटर पे। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ये सब सारे इलाके ओपन करना है। ये देखिए, ये आप रुआ यहाँ पे इसको फार्म को हटा के रुआ भी डाल के और इसको वापस सेट कर सकते हैं। और अगर आपके प्रिंटर मेंटेनेंस बॉक्स का एरर आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे आप चिप परचेस कर सकते हैं। और ये चिप बदलने के लिए बहुत सरल आसान है। इस नट को ओपन कर लेंगे, और इसको बाहर कर लेंगे, ये देखिए बाहर आ गया। और हम आपको यहाँ इस चिप को सेम टू सेम कुरियर करेंगे यहाँ से। तो आपको क्या करना है, सीधे ये नट खोलना है, एक पेचकस से आपको हो जाए काम इसके ड्राइवर से, और सीधे इस चिप को बाहर कर देना है। ये चिप को आपको क्या करना है, दूसरी रिप्लेस कर देनी है। ये चिप हम आपको यहाँ से कुरियर से सेम टू सेम भेजेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास चिप है, ये जो SG04 जो मेंटेनेंस है, ये चिप है इसके अंदर। और इस
चिप का जो है ना, ये देखिए, तो सेम टू सेम हम इस पन्ने से आपको चिप निकाल के और पैक करके कुरियर कर देंगे। और ये इसका बॉक्स नंबर होता है यहाँ पे, ये देखिए। और इसीलिए इस चिप में ये बॉक्स नंबर, चिप बॉक्स का नंबर डाला हुआ है देखिए यहाँ पे। हम आपको पैक करके यहाँ से भेज देंगे। बहुत सारी चिप है अभी, हजारों चिप होगी। तो ये आप मान लीजिए आपने नई चिप हमने भेज दी आपको, और आपको क्या करना है यहाँ से वापस पैक करके और वापस वही नट लगा देना है, ये वाला अपना। और फिर से इसको क्या करना है वापस, इसको वो कहेंगे नट और इस नट को हम वापस इसमें सेट कर देंगे। इसमें आपको नट सेट नहीं करना है, इसमें करना है। और इसमें ढीला ही रहेगा, ये हिलता रहना चाहिए, ताकि जब ये हिलेगा ना तभी वहाँ पे अपने खाँचे में सेट हो जाएगा इसे हिल के। अभी मत सोचिए कि हिल रहा है यार तो सही सेट नहीं है, टाइट नहीं है, पहले से हिल रहा था, कंपनी ने दिया तभी, तो ये हिलना चाहिए तभी सेट होता है अंदर। तो ये जाएगा, सेट हो जाएगा ऐसे, ये ऊपर रहेगा लिखा पड़ा और ये सेट हो गया। फिर आपका ये सेट हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा इस प्रकार, ये देखिए। फिर ये मोटा नट लग जाएगा इसके अंदर, फिर ये चार नट लग जाएंगे। और फिर इसके ऊपर ये लग जाएगा, इसको खड़ा ही सेट करना है, क्योंकि अर्थछाड़ा में यहाँ पे लाख होते हैं, खराब हो जाएगा। यह सीधा मेवल को आपको सेट करना है, ये देखिए ये सेट हो गया। और अब प्रिंटर को ऑन करते हैं। तो ये मैंने लगा दिया पावर केबल, और आ गए हैं आगे साइड में, पावर ऑन करेंगे, ऑन हो गया। और लगा देते हैं ये आपका पेज, इसमें क्या होता है कि एक बिंदी यहाँ पे जब ये ऑन होता रहता है तो एक बिंदी यहाँ पे आती है, अभी जीरो आ रहा है, यानी जिराक्स करने के लिए आ रहा है। तो हम जिराक्स ब्लैक एंड वाइट करेंगे, ये ब्लैक एंड वाइट वाले प्रेस मैंने कर दिया है बटन, और पेपर अब इन करेगा। ये प्रिंटर पेपर इन कर लिए है देखिए, और जो प्रिंटर है वो छाप रहा है। और अब ये ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, और कलर भी आपको छाप के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंटर ने पेपर ले लिया है, और अभी कलर छाप रहा है। फ्रेंड्स, प्रिंटर बहुत ही अच्छा छापा है, कोई इसमें कोई शक करने की वाली बात नहीं है। फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चिप के लिए अगर आपके प्रिंटर में मेंटेनेंस बॉक्स कई रहा आ रहा है, E08 आ रहा है अगर आपके प्रिंटर में, या P07 आ रहा है, ये तो आप मेंटेनेंस बॉक्स के लिए आप कंप्यूटर में चेक कर लें कि मेंटेनेंस बॉक्स मेरा एंड होने वाला है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको प्रिंटर खोल के भी दिखा दिया है कि प्रिंटर के अंदर क्या क्या समस्या, कैसे खोलते हैं, कैसे सेट करते हैं, सब कुछ आपने देख लिया है। तो अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MCTech चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।